कि सारे मन मर्जी वाले ने, पाठ करने वाले, सेवा करने वाले, सब मन मर्जी च करते हैं। पर उन्होंने ड्यूटियां कीतियां। बाबा ईश्वर सिंह महाराज दे कोल 30-40 सेवक ने, सारे नू सेवा ड्यूटियां लगियां, पर किसी ने मन मर्जी नहीं कीती, सारे ब्रह्म ज्ञानी बन गए। उत्थे क्यों ना बन सके। गुरु दी महापुरश दी वडियाई है। बाबा खेम सिंह जी महापुरख सी, बाबा कुंदन सिंह जी कोल बड़े सेवक से, जेडे आग्या विच रहिंदे सी, हुक्म च रहिंदे सी, करदे सी सब कुछ, उन्हां दा कीता थाई पैंदा सी। जेडे मन मर्जियां करदे सी, भावें जंगलां नूं चले जाण, भावें पुठियां समाधियां ला लैण, भावें लटक जाण, भावें कोई कर लैण, गल ही नहीं बनदी। गुरु दे चरणां विच रह गई सुखे जिथे ओह रखण। संगत विच रह के, संगत च बन के रहना है, आग्या विच सब कुछ करना है। तुहाडे एक एक कीते पाठ, जप तप सिमरन दरगाह विच लिखे पैणगे, ते बिना आग्या तो जिहड़े करदे फिरदे ने उन्हां नूं उहो जिही सुख है। ओह फिर राजे जनमेजे ने मन मर्जी नाल कीते, फिर उन्हूं कोड़ होया, कष्ट होया, उन्दे विच गुणा पाप हो गया। अठारे काए इवें दस्या भी है, उन्दे जो पंडता ब्राह्मणा दी उन्दे हत्थों मौत हो गई बड़े जग विच, उन्हूं कोड़ हो गया एडे वड्डे पाप दा। ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਤਿਸ ਮਿੱਤਰ ਵਿਚੋਲੇ ਜੈ ਮਿਲ ਕੰਤ ਪਛਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਰਸ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੇਦ ਵਿਆਸੇ, ਵੇਦ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢ ਦੀਏ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿ ਸਾਖੀਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਲਾਉਣ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ,
मैं अपनी मन मर्जी दे नाल बेनती करके चला गया उत्थे। इत्थे महापुरखां दे हुकम दे विच रह के जिवें भी सी संगत भी आवे रोले भी पैण किवें कीर्तन पाठ भी अपना करी जाना सारा, पर जो इत्थे रस्ता चल रहा सी उत्थे ओह राह बंद हो गया। पाठ पूजा किन्ने वधाए कुछ करे, गुरु नानक साहब के सपुत्र श्री चंद महाराज ने जन्म तो ही जटा सी शिव स्वरूप सन, समाधियां ला लिया सी, ते बाबा लहणा जी उन्हां तां पूरी जिंदगी बाबे नानक नाल लाई सी, तकरीबन शायद 50 साल उन्हां दे गुरु नानक साहब नाल बीते ने श्री चंद महाराज दे, ते लहणा जी दे केवल 13 साल। ये फेरियां लाउंदे सौदे वेचदे, उन्हें जन्म तो समाधि लाई। ते लहणा जी ने केवल 13 साल भाई गुरदास जी ने बड़ी वड्याई कीती है कि एक सिख 13 सालां दे विच ही एक एक बचन गुरु का मन के एक एक बचन चुन के जो गुरु हुक्म करते ने मनदा। जे कहिंदे ने मरे चूहे चाकड़ा चक लैंदे, जे कहिंदे किकर तो मठियाई चाड़ किकर ते चढ़ जांदे, जे कहिंदे रात नूं जा कपड़े धो लिया, उन्हें कहा तू राती मूर्ख कपड़े धोण तुर पिया। वो कहिंदे नहीं भाई मेरा तो दिन है। कहिंदे दिन किवें आ? कहिंदे मेरे गुरु के हुक्म विच ही दिन रात है। उन्होंने राती अद्धी रातों कहता है अद्धी रातों कपड़े धोण जो तुर पे नदी ते। एक एक बचन नूं मन्निया ते 13 सालां दा रिजल्ट लै लो, ते मन मर्जी दे नाल समाधियां लाइयां, बेरकत हो के बिल्कुल सुरता चढ़ाइयां, उस पदवी दे नहीं पहुंचे पर कमाई उन्हां दी बड़ी है बाबा श्री चंद्र महाराज दी। भगती पिछले भी जन्मां दी सी, इस जन्म दी भी सी, पूरा निशान सी उन्हां दे कि पहले ये शिव भगवान सन, हुण श्री चंद्र महाराज बन के आया। पर जो एक सिख ने कहिंदे मोहन जी ने गुरु अमरदास के पुत्र ने बड़ी समाधि लाई सी, कई कई दिन शादी नहीं कराई, बरखत जुड़े रहिंदे सी चबारे च बैठे, पर एक वाक नहीं मन्निया कि मोहन रामदास दे पैरी पै जा। उन्हें कहा साढ़े तो 50-70-10 साल का साढ़े को आया है, जवाई बन गया टोकरी ढोण वाला, माँ बाप करो गरीब, ये टोकरी ढोण वाला सेवादार असी पुत्र तुहाडे, असी इहदे पैरी पईए। उन्हें कहा फिर तू पैरी पएगा तो तेरे दरगाह के दरवाजे खुलणगे, तेनू शांति आएगी, भगती का फल मिलेगा। तो मोहरी पुत सनमुख होवा रामदास पैरी पाए जियो। उन्हें मत्था टेकता कि उन्होंने कहा अज तो बाद साडा सरूप है रामदास, पुत्रो सिखो सारे मत्था टेको। पर एक पुत अड़ गया, वह बंदगी वाला बड़ा सी, नाम जपण वाला बड़ा सी, बड़िया माला फेरन वाला सी, पर अखीर ते उंदिया फिर अखां खुलियां जो तपशना खत्म हुई, बंदगी दा बड़ी कीती, नाम दा बड़ा जतिया। भाई दे गुर बिन ज्ञान ना होए गुर की, आग्या मननी ही सब तो वड्डी।